सीमा हैदर प्रकरण में क्या सचिन भी शामिल है? नमस्ते, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी देशवासियों एवं ज्योतिष अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक अलग विषय पर बात करने वाले हैं। इस विषय को हर भारतीय नागरिक को सुनना, देखना और समझना चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। इस समय पूरे देश में एक ही विषय की चर्चा जोरों पर है और वह है सीमा हैदर। सीमा हैदर कौन है, कहां से आई है, यह जानकारी लोग आरंभिक स्तर पर जानते हैं। लेकिन सीमा हैदर के बारे में जानने के लिए लोग काफ़ी उत्सुक हैं। अब हमारे पास उसकी जन्मतिथि, जन्म समय उपलब्ध नहीं, या फिर हमारे पास कोई अन्य ठोस दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं, तो इस स्थिति में ज्योति जोशी पद्धति यानी कि जे पद्धति का इस घटना का अवलोकन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने जे पद्धति से कुंडली का अध्ययन करने का निर्णय लिया। इस दिशा की ओर बढ़ने के लिए किसी ने सवाल पूछने की राह में देख रही थी। दरअसल इस विषय पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे। सीमा हैदर के बारे में मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से जातक प्रश्न पूछ रहे थे। इसी बीच एक सही सवाल आया और पूछा गया कि सीमा हैदर के बारे में धर्मशास्त्र क्या कहता है। फिर मैंने वही समय लिया। 19 जुलाई 2023 को रात को 8:22 हुए थे। जिस समय प्रश्न पूछा गया था यह वह क्षण था। निसंदेह जे पद्धति की कुंडली के हिसाब से सिंह लग्न की कुंडली की रचना हुई। सिंह लग्न की कुंडली प्रस्तुत होते ही कई बातें सामने आई। कुंडली को देखने के बाद समझ में आया कि वह अलग अलग तरह से बातें करती है। इस विषय पर इतनी जटिलताएं उत्पन्न हो गई है कि किसी को विश्वास ही नहीं होगा। कोई भी इस विषय के बारे में दावे के साथ बात नहीं कर सकता। इस जटिलता भरे मुद्दे को लेकर हम कुंडली के प्रश्न के सवाल खोज रहे थे। तदनुसार मैंने इसे खोजने का प्रयास किया है। मुझे जे पद्धति के अनुसार जो कुंडली प्राप्त हुई उसे देखा जाए तो वह सिंह लग्न की कुंडली है। लग्नेश व्यय भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध इन तीनों ग्रहों की युति व्ययस्थ भाव में स्थित थी। कर्क यह जल तत्व की राशि और चंद्रमा स्वराशि का तथा सप्तमेश शनि भी स्वराशि का है। इस ग्रह स्थिति को देखकर ये बात ध्यान में आती है जातक कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थिति में है। ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार व्यय भाव से विदेश का अध्ययन करते हैं। सीमा हैदर अभी विदेश में है तो इसी से सिद्ध होता है कि ये कुंडली उचित है। जब दूसरी घटना लव मैरिज के बारे में अध्ययन करते हैं तो वह भी कुंडली में सही साबित हुई है। जब हम सीमा हैदर के बच्चों के बारे में देखते हैं तो सीमा हैदर की कुंडली कहती है कि उनके बच्चों को इसके बाद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक विषय जो अब तक महसूस नहीं किया गया वह यह है कि सचिन एक युवा है जो प्यार में फंसा हुआ है और उसके बारे में जो भूमिका फैलाई है वह कुछ भ्रमित करने वाली है। हालांकि हम जे पद्धति के अनुसार पत्रिका देखते हैं तब सचिन उसकी योजनाओं में शामिल है, बल्कि वह सबसे आगे दिखाई देता है। यानी कि उसे प्यार हो गया और उसने उसे बुलाया हो ऐसा विषय नहीं लगता। सचिन सीमा हैदर की गतिविधियों में शामिल है और सीमा हैदर भी यहाँ सरल सहज विवाह और प्रेम के लिए आई है, यह बात गलत है। इन सभी मामलों में धोखाधड़ी का मामला दिखाई देता है। देर सवेर यह स्पष्ट हो जाएगा
कि वह पाकिस्तान जैसे देश से आई है और उसका बयान, उसका मकसद वह पाकिस्तान से भारत में जासूसी करने आई है, ऐसा उसकी पत्रिका बार बार कहती है। वह पाकिस्तान के एजेंट है, यही बात उसकी पत्रिका बार बार कहती है। अखबार का भी यही कहना है कि वह पाकिस्तान की एजेंट है। वह बच्चों को लेकर आई है क्योंकि उसे सहानुभूति हासिल करनी थी। यह विषय उतना सरल नहीं है जितना लगता है, इसकी गहराई में कई पहलू है। जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा तब इसकी गंभीरता का एहसास होगा। पाकिस्तान की हालत खराब है, फिर भी भारत को नुकसान पहुंचाने की उनकी आंतरिक इच्छा कम नहीं हुई है। उनका प्रयास जारी है और वे इसके लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, वे कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये पाकिस्तान का हर समय का भारत द्वेष है। वहाँ रहने वाला हिंदू हमेशा असुरक्षित होते हैं। जब भी कोई घटना घटती है तो उन पर हमला कर दिया जाता है। इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और सीमा हैदर उनकी एजेंटों में से एक है, ऐसा पत्रिका दर्शाती है। यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास उनकी पत्रिका नहीं है और जहाँ तक जब स्वयं हमसे कोई प्रश्न पूछता है तो हम किसी ठोस उत्तर पर पहुँच सकते हैं। यहाँ एक तीसरे शख्स ने पूछे गए सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जे जे पद्धति के अनुसार पत्रिका अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।